कई बार लोग कहते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। महाराज ये चार लोग बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े खतरनाक। और यही चार लोग का जीवन देखते देखते यही चार लोग घाट तक पहुंचा देते हैं। चार लोग बड़े खतरनाक। और दुनिया दुनिया तो ऐसी है महाराज, आप अच्छा करें तो भी लोग कहेंगे, बुरा करें तो भी लोग कहेंगे। आप भगवान की पूजा करी तो लोग कहेंगे बड़ा भगत बन रहा है, ना पूजा करें तो कहें बड़ा नास्तिक है। आपने वो कथा तो सुनी होगी ना कि एक बाप बेटे घोड़े से जा रहे थे पैदल पैदल, घोड़ा साथ में लिए थे, पैदल पैदल चले जा रहे थे। तो एक नगर में जब पहुंचे तो लोगों ने देखा, कहा बताओ कैसा समय आ गया, कैसे मूर्ख हैं, घोड़े साथ में लिए और दोनों बाप बेटे पैदल चल रहे हैं। बाप ने कहा बेटे से, बेटा एक काम करो घोड़े पर बैठ जाओ। बेटा घोड़े पर बैठ गया, कुछ दूर और आगे गए, जब लोगों ने देखा कहा बताओ कैसा समय आ गया है, घोर कलयुग चल रहा है। क्यों? बेटा घोड़े पर बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। तो बेटे ने कहा बाबूजी एक काम करी, आप ही बैठ जाइए, मैं ही चल रहा हूं पैदल। फिर कुछ दूर आगे गए, लोगों ने देखा कहा बताओ कैसा समय आ गया है, बाप बैठा हुआ है घोड़े पर और बेटा नीचे चल रहा है पैदल पैदल। बाप बेटे ने कहा चलो साथ ही बैठ जाते, बाप बेटे दोनों साथ बैठ गए। फिर लोगों ने देखा कहा बताओ कैसा समय आ गया, जीवों पर लोग दया करते ही नहीं है। क्यों? बाप बेटे दोनों सवार होकर के बैठे, बताओ घोड़े की जान लेंगे क्या? मतलब कहने का अर्थ है लोग आपको किसी तरह चलने नहीं देते हैं। यहाँ तो लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा महाराज, तो हम साधारण इंसान क्या है। आप अपने जीवन में अपने कार्य को करते रहिए, दुनिया क्या कह रही है उस कान को बंद कर लीजिए और सुनिए, इससे बाहर कर दीजिए, आप अपने कार्य में लगे रहिए। विश्वामित्र जी परेशान होकर के अयोध्या जी में आए और अयोध्या जी में आकर के महाराज दशरथ जी ने जब सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, बड़ा ही आवभगत सेवा सम्मान सत्कार किया, भीतर लेकर के आए, उन्हें बिठाया, जब पूरा सम्मान कर लिया तो कहा महाराज आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? भाई ब्राह्मण को जब भी भोजन कराएं तो दक्षिणा अवश्य दें। महाराज दशरथ ने पूछा भाई दक्षिणा में क्या चाहिए आपको? तब तक राम जी लक्ष्मण जी आए, भरत जी शत्रुघ्न जी आए। राम जी लक्ष्मण जी ने दोनों प्रणाम, दोनों ने प्रणाम किया एक तरफ खड़े हुए, भरत जी शत्रुघ्न प्रणाम किए एक तरफ खड़े हुए। और जब एक तरफ दोनों खड़े हुए तो विश्वामित्र जी को लगा कि राम के साथ लक्ष्मण, भरत के साथ शत्रुघ्न, इन दोनों की जोड़ी है और मुझे राम के साथ साथ लक्ष्मण को भी मांगना पड़ेगा। विश्वामित्र जी से बार बार महाराज दशरथ पूछते, महाराज दक्षिणा में क्या चाहिए? सोने चांदी हीरे मोती हाथी घोड़े महल, जो कहिए सो लुटा दूंगा। लेकिन ये तो पता नहीं था कि ये राम को ही मांगने वाले हैं। महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए फिर? तो अनुज समेता दे हूं रघुनाथा, हमें राम के साथ लक्ष्मण को दे दीजिए। और जैसे ही मांगा महाराज राम के साथ लक्ष्मण को, महाराज दशरथ जी डपट पड़े, क्रोध में आ गए, हमने मांगने को कहा सोने चांदी हीरे मोती हाथी घोड़े राजपाट, आपने मेरे प्राणों से प्यारे राम को ही मांग लिया, मांगने की भी कोई सीमा होती? महाराज सोच में पड़ गए विश्वामित्र जी, अब हम इनसे कैसे मांगे क्या कहें। तब तक गुरुदेव वशिष्ठ आए और गुरुदेव वशिष्ठ जब आए कहा महाराज अब आप ही कोई उपाय निकालिए। गुरुदेव वशिष्ठ विश्वामित्र महाराज दशरथ को एक कक्ष में ले गए और ले जा करके कहते हैं महाराज एक बात बताओ, यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कि तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने बहु विधि समझाया, बहु का मतलब बहुत प्रकार से नहीं, बहु का मतलब है कि बहु लाने वाली विधि समझाई। वशिष्ठ जी कहते हैं ये बताओ महाराज क्या चाहते हैं कि आपके घर में बहु आ जाए? अब तो महाराज दशरथ जी के मन में लड्डू फूटने लगे, बहु घर में आएगी? थोड़ा और आगे बढ़े, क्या चाहते हैं घर में पोते हो जाए आपके? महाराज दशरथ लगे नाचने, कहा ये होगा कैसे? कहा ये तभी होगा जब राम को किसी बाबा के संग में, संत के संग में आप बाहर भेजेंगे। दशरथ जी मान गए, दशरथ जी आए, राम जी लक्ष्मण जी को बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, बड़े आदर के साथ राम जी लक्ष्मण जी को बुलाया।
कहा राम अब आज के बाद से आपके माता और पिता विश्वामित्र जी ने कोई भी कार्य करना होगा इन्हीं से पूछ पूछ करके करना। राम जी लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ में विदा किया है। चलते चलते रास्ते में ताटक वन आया और उसी ताटक वन में ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती थी। ताड़का ने जब सुना कि भगवान राम के आवाज जब कानों में गई, ताड़का ने हाथ को बढ़ाया मारने के लिए। विश्वामित्र जी ने कहा राम शीघ्र बाण उठाइए और इसे दंडित करिए, इसे समाप्त करिए। लक्ष्मण जी ने बाण निकाला। राम जी ने कहा लक्ष्मण अरे अबला है और नारी पर कभी हाथ नहीं उठाते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज अरे ये अबला नहीं है सबला है, न जाने कितनों को खा गई है, मारिए इसको। राम जी ने एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जान तही निज पद दीना। एक ही बाण में प्राण हर लिए ताड़का के। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने भगवान राम को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान की। दो विद्याएं ऐसी दी, ये विद्या इस विद्या का नाम था बला और अति बला। ये ऐसी विद्याएं थी जिनको पाने के पश्चात न भूख लगे न प्यास लगे। विश्वामित्र जी के आश्रम में सभी पहुंचे, संध्या हुई, आरती हुआ, दारू भोजन प्रसाद के पश्चात सभी शयन करने के लिए गए। प्रातः काल हुआ, राम जी ने कहा नाथ आप यज्ञ करिए और हम रक्षा करेंगे। जैसे यज्ञ करना प्रारंभ किया, दक्षिण दिशा से मारीच सुबाहु आए। भगवान ने दो बाण चलाए, एक बाण से सुबाहु को मार डाला और एक बाण मारीच पर चलाया, लेकिन वो बाण निष्फल था। निष्फल बाण क्यों चलाया? इसलिए चलाया क्योंकि अभी ये मर जाएगा तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा, इसलिए बेहोश करके छोड़ दिया मारीच को। मारीच कहते हैं मारीच को जब भगवान ने मारा तो जाकर के गिरा कहाँ? आज जिसका नाम है मॉरिशस, मॉरिशस में ना जाकर के गिरा। मारीच के नाम पर मॉरिशस पड़ा।